21st सेंचुरी और टाटा ट्रस्ट साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं एक नई पहल, श्री विधि यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एज पार्ट ऑफ जीवन जीविका आंदोलन, आपका फसल आपका जीवन। आइए जानते हैं श्री विधि द्वारा नर्सरी बेड की तैयारी कैसे की जाती है। एक एकड़ में श्री में धान की खेती के लिए हम लोगों को 40 मीटर स्क्वायर का एक नर्सरी बेड चाहिए जो कि 6 इंच ऊंचा में होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी प्लॉट लेंगे हम नर्सरी बेड के लिए वो मेन फील्ड की पूरा नज़दीक होना चाहिए, जिसमें कि हम लोगों को ये जो छोटा पौधा जो यहाँ से लेके वहाँ पे जो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं नर्सरी बेड प्रिपरेशन का पहला स्टेप, ड्रेनेज के लिए नाला कैसे बनता है। सबसे पहले नर्सरी बेड के चारों तरफ एक 6 इंच बाय 6 इंच का नाला बना लीजिए। ये नाला जल निकास के लिए बनाया जाता है। नाले की लंबाई जमीन के आकार के ऊपर निर्भर करती है। 20 मीटर का 2 प्लॉट या फिर 10 मीटर का 4 प्लॉट भी लिया जा सकता है, लेकिन सीड बेड की चौड़ाई 3 फीट यानी 1 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर काम करेगा तो इधर इतना तक हाथ जाएगा 1.5 फीट, फिर उधर से काम करेगा तो 1.5 फीट। नर्सरी बेड को 6 इंच लंबा करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। दो बेड के बीच में जब 6x8 इंच का नाला बनाया जाएगा तब उसी मिट्टी के नर्सरी बेड की लंबाई अपने आप 6 इंच की हो जाएगी। अब चलते हैं नर्सरी बेड प्रिपरेशन के स्टेप 2 की तरफ, बायोमास का प्रयोग। अब बायोमास यानी खाद को नर्सरी बेड में मिला ले और पूरा प्लेन कर दे, ठीक उसी तरह जैसे मेन फील्ड प्रिपरेशन में किया गया था। नमस्ते, आज आप लोग सीख गए हैं नर्सरी बेड कैसे तैयार किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सुझाव है। 1 मीटर बाय 1 मीटर स्क्वायर जमीन में, मतलब कि 1 मीटर और 1 मीटर का एक चौका जमीन में हम सिर्फ 50 ग्राम ही बीज डालेंगे। कितना डालेंगे? सिर्फ 50 ग्राम। अब चलते हैं तीसरे स्टेप में। अब अपने नर्सरी बेड के ऊपर 1 लेयर सूखे गोबर का खाद इस तरह डाल दे और उसे ऊपर वाला मिट्टी से मिला ले। पत्थर जैसे बने हुए मिट्टी को तोड़ ले या फिर बाहर फेंक दे। ये आपका 6 फीट लेंथ और 3 फीट चौड़ाई का नर्सरी बेड रेडी हो गया। जल्दी से नर्सरी बेड प्रिपरेशन का एक रिकैप कर लेते हैं। स्टेप 1, जल निकास के लिए 6 इंच बाय 8 इंच का नाला बना ले। स्टेप 2, मिट्टी में बायोमास मिला ले। स्टेप 3, मिट्टी में सूखे गोबर का खाद मिला ले। याद रखें, 1 एकड़ श्री धान की खेती के लिए 40 स्क्वायर मीटर का नर्सरी बेड लगता है। नर्सरी बेड मेन फील्ड के पास होना चाहिए ताकि ट्रांसप्लांटिंग 10 से 15 मिनट में हो जाए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे श्री विधि से सीड सोइंग कैसे किया जाता है।